दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देख राजस्थान के खिलाड़ियों के उड़े होश। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की तारीफ पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। ऐसे में यशस्वी जायसवाल के बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने अपने बयान के दौरान जायसवाल के लिए ऐसी बातें कह डाली है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल के बेहतरीन प्रदर्शन पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में 141 रन और पारी के अंतर से जीत गई, जहां पर इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 150 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन 421 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी को घोषित कर दिया और 271 रन की बढ़त हासिल की, जिसका पीछा करने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम मैदान पर आई तो मात्र 131 रन पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले में भारतीय टीम 141 रन और पारी के अंतर से जीत गई, जिसके हीरो यशस्वी जायसवाल रहे। ऐसे में यशस्वी जायसवाल पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का बयान सामने आया, जिसमें संजू सैमसन ने बयान देते हुए कहा कि यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार से पहले टेस्ट मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की उसको देखकर हम काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़े अंतर से जीता है तो उसके असली हीरो यशस्वी जायसवाल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पारी के दौरान विरोधी टीम को चारों खाने चित किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल आज एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो भारत को अपने दम पर जीत दिलाना जानते हैं। मुझे और मेरी राजस्थान की टीम को काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि जायसवाल के दम पर भारत ने जीत हासिल की है। तो वहीं युजवेंद्र चहल ने बयान देते हुए कहा कि यशस्वी जायसवाल के द्वारा खेली गई शतकीय पारी हमें काफी ज्यादा बेहतर लगी है। जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन अंदाज में प्रदर्शन किया है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम को लंबे समय तक संभाल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने जो पहले ही मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है उसे देखकर हम भी काफी ज्यादा खुश हैं और हमें आज काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि यशस्वी जायसवाल हमारी राजस्थान की टीम के सदस्य हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम ऊंचा करा है। तो वहीं जॉस बटलर ने बयान देते हुए कहा कि यशस्वी जायसवाल के द्वारा खेली गई मैच विनिंग पारी को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन को देखने को मिला है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के नहीं बल्कि दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मुझे पहले ही पता लग गया था कि पहले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में जिस प्रकार से राजस्थान के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और उसी नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने भारत को जीत भी दिलाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल दूसरे मुकाबले में भी शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।